कौन प्रेसिव कब चालू होगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन एक दिन जरूर चालू होगा, ये विश्वास है, ये होप है। और इसी होप और विश्वास में हम लोग आज 4 साल 5 साल का सफर तय किए हैं। अगर ये विश्वास नहीं होता तो हम लोग कोई भी यहाँ पर नहीं होते। आज जितने भी बातें विश्वास भाई ने बताया, माइंड ब्लोइंग था दोस्तों, और मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है जो विश्वनाथ भाई ने आपको बताया है। सारी चीजें उन्होंने खोल करके रख दिया, 360 वेबिनार में जो हुई है। और आज हमारे मेंटोर, हमारे ब्लेसर, पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन जस्सी भाई जी ने एक वीडियो छोड़ा है, आप लोगों ने वीडियो भी देखा है। वीडियो में स्पष्ट उन्होंने कह दिया है, उनके वीडियो सुनने के बाद कुछ रह ही नहीं जाता है। तो जिन्होंने भी जस्सी भाई का वीडियो नहीं सुना है, आप लोग जा करके जस्सी भाई का जरूर वीडियो सुनिए, उसके बाद शायद आपकी कोई ऐसी प्रश्न या क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। उन्होंने सबूत के साथ वहां पर वीडियो में बताया है, देखा है आप लोगों ने, जस्सी भाई ने प्रूफ के साथ वहां वीडियो में दिया है। उन्होंने यस सर एक, हाँ, स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है, आप लोग देखे जी, होंगे, एसआर का सर स्क्रीन शॉट है। यस यस, उसमें क्लियर कट है, संदेश है कब क्या होगा। और अभी आज 23 तारीख है, इस महीना को समाप्त होने में कितना समय है अशोक भाई, 7 दिन, 1 हफ्ते, 1 हफ्ते का समय है। अगला जो हमारा पर्व और त्योहार है, कब हम लोग पर्व त्योहार मनाते हैं, सप्ताह में एक दिन, बुधवार को बुधवार, 360 बुधवार 360 के दिन। अगला या 360 किस दिन है, 28 तारीख, 28 तारीख को। 28 तारीख। पिछले वेबिनार में भी उन्होंने कुछ उसके लिए बताया था, मैं उस पर एलोबरेट नहीं करूंगा, इसलिए कि लोग यहाँ पर लोगों की बात को पकड़ने में ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, लोग इसको भूल जाते हैं, शब्दों के उसमें जाल में फंस करके और अपना अपना बाह-बही लूटते हैं, इसने तो ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अरे भाई, मकसद क्या है, हम हरि कीर्तन कर रहे हैं, कोई तकरीर कर रहा है, कोई गुरुबाणी कर रहा है, क्या मकसद है उसका, क्या मकसद है उसका, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को, ऊपर वाले को प्राप्त करना। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, कोई तकरीर कर रहा है, कोई हरि कीर्तन कर रहा है, कोई माता रानी का जागरण कर रहा है, कोई गुरुबाणी कर रहा है, मकसद क्या है, उसको प्राप्त करना। यहां पर हर भाई बहन अलग अलग तरीके से ये कीर्तन भजन कर रहे हैं, ये सेशन के माध्यम से, ये मीटिंग के माध्यम से, हजारों हजारों हमारे भाई बहन अलग अलग मंच से, अलग अलग तरीके से वो भजन कर रहे हैं, क्या मकसद है उनका, क्या मकसद है, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, क्या करना चाह रहे हैं, आपसे खेत लिखवाना चाह रहे हैं, क्या दुकान में सामान बेचना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, सब लोगों का एक ही मकसद है, ऑन पेसिव की सफलता। जी आपने सुना होगा कि एक संत हुआ करते थे जिनको राम कहने नहीं आता था, राम नहीं कहने आता था, तो उनको कहा गया कि आप उल्टा बोलो, तो वो मरा मरा कहना शुरू कर दिए, मरा 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 मरा, वो मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया। उस टापू का नाम था रत्नाकर सर। यस यस यस, अशोक भाई इज द ग्रेट। और वो उल्टा बोल के, मरा मरा बोल के क्यों, वो संदेश क्या है कि आपका मिशन और विजन क्या है, आप उल्टा बोलो, सीधा बोलो, कुछ भी बोलो, आपका मकसद क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, आपकी जो करने की, कहने की जो मिशन विजन है उस पर निर्भर करता है, और उसी से आपकी प्राप्ति होती है। आप भले मरा मरा कह रहे हो, लेकिन आपका मकसद है राम को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, इसीलिए आप मरा मरा भी बोलोगे तो राम राम हो जाएगा और राम की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से ऑन पैसिव में हमारे सारे भाई बहन पूरे विश्व के अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कोई राम राम कह रहा है, कोई मरा मरा कह रहा है, लेकिन मकसद एक ही है, ऑन पैसिव को प्राप्त करना। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं हर प्लेटफॉर्म को सैल्यूट करता हूं, मैं हर लीडर को सैल्यूट करता हूं, उनका सम्मान करता हूं,
इसलिए कि कोई राम राम कर रहा है, कोई मरा मरा कर रहा है, और कई लीडर इसीलिए बैठे हैं, कौन मरा मरा बोल रहा है, कौन राम राम बोल रहा है। अरे भैया, वो खेती बाड़ी थोड़ी बेचने आए हैं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपना घर का भाजी बेचने आए, क्या सब्जी बेचने आए यहाँ पर? वो तो ऑन पैसिव कहीं भजन कीर्तन आए ना करने के लिए, क्या मकसद है? लोगों को जागरूक तो कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तरीका आपको पसंद नहीं है तो आप समझिए हमें क्या लेना देना है, am I right? तरीका लोगों को कुछ तरह से पसंद नहीं होता है। जैसे हम लोग कुछ मजाक भी करते हैं अशोक भाई, तो कई लोगों को बुरा भी लग जाता है, कई लोगों को अच्छा लगता है। तो आपका जो ये जो है ना, सॉफ्टवेयर जैसा रहेगा, आपका नजरिया जैसा रहेगा, नजारा वैसे ही दिखेगा। तो कुछ लोगों का नजरिया है कि आई एम द किंग, इसके बाद दुनिया समाप्त, तो आपको तो दिखेगा नहीं हम लोग क्या भजन कीर्तन कर रहे हैं। हम लोग किसी को लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं, पूजनीय है, मैं उन सबका सम्मान करता हूं। सबका एक ही मकसद है, ऑन पैसिव को प्राप्त करना। ऑन पैसिव की सफलता हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मिस्टर एस के स्वास्थ्य के लिए, हमारी कंपनी के उपलब्धि के लिए रात दिन हम लोग दुआएं कर रहे हैं। क्या गलत है? कोई राम राम कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई जाकर के तकरीर कर रहा है, कोई गुरुबानी कर रहा है। आपको अच्छा नहीं लगता है गुरुबानी, छोड़ दो, क्या मतलब है? लेकिन जो गुरुबानी कर रहे हैं उनको पता है, तो वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। जो यहां पर तकरीर कर रहे हैं उनको मालूम है कि वो ऊपर वाले को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मकसद अलग अलग नहीं है, मकसद एक ही है। इसलिए कि मैंने कल भी बोला था कि साइंस भी नहीं ये डिफरेंस कर सका है कि ये जो बॉडी जब हम फॉरेंसिक जांच में ले जाते हैं तो वहां पर हमारा साइंस भी विवश है, अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आपको फॉरेंसिक जांच में साइंटिफिकल जो वहां पे आता है डायग्नोसिस होकर के वहां पर वो बता सके कि ये मुसलमान है का बॉडी था कि ये हिंदू का बॉडी था। कोई बता सकता है क्या? नहीं, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं? फॉरेंसिक जांच जो दुनिया का सबसे बड़ा जांच होता है, जो हड्डी से भी पता लगा लेगा कब मृत्यु हुआ, क्या हुआ, सब पता लगा लेगा। लेकिन ये हिंदू था कि मुसलमान था, कोई पता लगाएगा क्या? इसलिए कि ऊपर वाले ने ये भेदभाव किया ही नहीं, ऊपर वाले ने आपको सबको समान रूप से भेजा है, उसने भेदभाव नहीं किया। ये तो हम लोगों ने बना लिया तरीका अलग अलग, हम लोगों ने ऊपर वाले को पाने का तरीका अलग अलग बना लिया। कोई कीर्तन भजन कर रहा है, कोई जो है तकरीर कर रहा है, कोई गुरुबानी पढ़ रहा है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना। मकसद अलग अलग नहीं है, तरीका अलग अलग है। उसी तरह से ऑन पैसिव में हम सभी जो फाउंडर भाई बहन हैं, हम सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई नारे तकबीर लगा रहा है, कोई जय श्री राम कर रहा है, कोई वाहे गुरु दू कर रहा है, तरीका अलग अलग है, मकसद वही है। लेकिन किसी किसी को वो चीज बुरा लगता है। कोई हमारे जो लीडर्स हैं उनको ये बुरा लगता है कि नहीं ये ऐसे क्यों बोल रहा है। अरे भैया, वो बोल रहा है, वो मरा मरा भी बोलेगा तो राम राम हो जाएगा। ऑन पैसिव एक ऐसा सिस्टम बना है, दुनिया का अनोखा सिस्टम दोस्तों, जहां पर आप मरा मरा भी करते रहो लगातार तो राम राम हो जाएगा। आपको ऑन पैसिव में सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आप किस नीयत से ऑन पैसिव में हो। मिस्टर एस ने कहा था कि आई विल फाइंड आउट, हमने फाइंड आउट किया है, खोजा है कौन लोग ऑन पैसिव के लिए समर्पित है, कौन लोग नहीं है। उनको सब मालूम है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट जिसको वो ट्रैकर बोलते हैं, वो सब पता लगा लेते हैं। आपका हमारा आईपी एड्रेस सब ट्रैक हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हम सोशल मीडिया में क्या ऑन पैसिव के बारे में बोलते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बिल्कुल यहां पर स्वतंत्र रहना है, अपने विचारों से स्वतंत्र रहना है, अपने सपनों से। आपके सपने कोई चुरा न ले, स्वतंत्र रहना है किसी के प्रभाव से, किसी के प्रभाव में भी नहीं आना है। मैंने कल बोला था, रेड लाइट एरिया का नाम लिया था, आज फिर नहीं दोबारा लूंगा।
आप लोगों को कल मैंने बताया था, वो कहीं भी कमोबेश स्थिति हम लोगों की हो गई है। कोई भी कंपनी वाला आ रहा है और बोल रहा है चलो मेरे साथ मैं इतना पैसा दूंगा, चलो मेरे साथ इतना पैसा दूंगा, ये कमोबेश स्थिति हम लोगों की हो गई है। रोज 1000 कंपनी वाले आ करके हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। क्यों? कि उनको पता है कि ये लोग असफल हैं, उनको सफलता नहीं दिखाई दे रही है। वो लोग देख रहे हैं कि ये तो जैसे नहीं होता है दुखती रख पे नस रख हाथ रख देना, कहीं आपका घाव है और उस पर कोई हाथ रख दे तो आप बिलबिला उठते हैं, तो इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। अदर कंपनी वाले जो लीडर है वो लोग देख रहे हैं कि ऑन पैसिव वाले बेचारे 4 साल से कुछ किए नहीं, मरे जा रहे हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज है, तो वो आकर के सीधा बोलते हैं और भाई क्या कर रहे हो। आपकी आवाज नहीं आ रही संजय सर, नेट कैसे हो गया है? हेलो, बोला क्या ये हो गया सर? मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, अब आ गई, बीच में कट गई थी। ओके ओके, थोड़ा नेटवर्क काम कर रहा है हमारा वाईफाई। तो यहाँ पर लोग आकर के सीधे बोलते हैं आपको पैसा मिला तो नहीं, तो आओ हम आपको झूला झूलाते हैं इधर, हम लोग भी चले जाते हैं झूला झूलने, चलो भाई 4 साल से इधर नहीं मिल रहा है, आओ थोड़ा झूला झूलाते हैं। लेकिन हमारा दिमाग कहाँ रहता है, आपसे मैं ईमानदारी से पूछता हूँ। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन अदर अदर कंपनी में भी ज्वाइन कर लिए हैं, करना भी चाहिए, क्या करेंगे, पापी पेट का सवाल है, बिना पैसे का कुछ होने वाला नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। जब तक